न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। वैसे तो देश भर में हजारों ग्राम पंचायतें हैं और पंचायत चुनाव का राष्ट्रीय स्तर पर जिक्र अमूमन नहीं होता है, लेकिन अब की बार हरियाणा में पंचायत चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की शर्त रखी गई थी और चुनाव परिणाम के बाद अब हरियाणा के गांव को एमबीए पास हाईली एजुकेटेड बहुएं मिल गई हैं। तो अब बात करेंगे आज हम सरपंच बहुओं की। हरियाणा के रोहतक के एक छोटे से गांव में जश्न मन रहा है। गांव की नई नवेली बहू सरपंच जो बनी है। गांव में बहू का सरपंच बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बहू एमबीए, एमकॉम, एमएससी और नेट क्वालिफाइड हो, वो भी भ्रूण हत्या की वजह से बदनाम हरियाणा में, तो ये सामाजिक बदलाव की नई बयार बहुत मायने रखती है। जो पढ़ा लिखा वो गांव का विकास भी अच्छा करेगा। हम खुश हैं बेटे इस बात में, पढ़ा लिखा बच्चा अच्छा डेवलपमेंट करेगा। ये नया हरियाणा है और ये है हरियाणा की एमबीए वाली सरपंच बहुएं। हरियाणा का नाम आते ही आपके मन में आता है खेती में नंबर वन हरियाणा। महिलाओं का नाम आते ही आपके मन में आता है खाप पंचायत और भ्रूण हत्या। लेकिन ये तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि महिलाओं की यानी बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं एक और दूसरी बयार बही है कि पंचायत चुनाव में अब की बार पढ़े लिखे उम्मीदवार मैदान में उतरे और अब महिलाएं भी वो चुनी गई हैं जो पढ़ाई में अव्वल हैं। यानी अब हरियाणा में महिलाओं की किस्मत महिलाओं के हाथों बदलने वाली है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पढ़ी लिखी महिलाएं गांव गांव की तस्वीर बदल सकती हैं। और ये सिर्फ नारा बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ तक सीमित नहीं है, अब गांव वाले अपनी चौधराहट बेटियों और बहुओं के हाथ में सौंप रहे हैं ताकि गांव बेहतर हो सके। आइए हमारे साथ। हरियाणा के रोहतक के गांधरा गांव की इस नई नवेली बहू से मिलिए। नाम है रजनी और पहचान है गांव की नई सरपंच। रजनी की खासियत यह है कि यह शादी के 27 दिनों के भीतर अपने गांव की सरपंच बन गई। लेकिन जरा रुकिए, रजनी की सिर्फ यही पहचान नहीं है, ये एक हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड सरपंच है। रजनी एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड और नेट क्वालिफाइड है। यानी अगर चाहे तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाकर 60 से 70 हजार रुपए महीना कमा सकती है, लेकिन वो गांव की सरपंच बनी है। पैसे के लिए सब कुछ थोड़ी ना करते हैं, देश अगर सभी पैसे के लिए करेंगे तो देश को कौन संभालेगा, देश के लिए भी तो हमें कुछ करना है ना। इनके सरपंच बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, आप खुद सुनिए। 3 तारीख को यहाँ से मेरी सास और नंद मुझे देखने गए थे, तो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और कि मैं इनके घर के बहू बन पाऊँ। और 6 दिसंबर को इन्होंने मेरी एंगेजमेंट की और 8 सितंबर की बात है, 8 सितंबर को मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी इनको बोला कि भाई चलो अब चुनाव का तो पता नहीं, पहले 4 अक्टूबर की डेट आई थी इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की थी, तो अब चुनाव डिग गया, वहाँ से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो चुनाव की डेट नहीं आई। हमने बहुत इंतजार किया कि पहले चुनाव हो जाए उसके बाद शादी करेंगे, लेकिन चुनाव की डेट नहीं आने के कारण घरवालों ने बोला और इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो पहले शादी कर लेते, चुनाव क्या पता कब होगा। तो 13 दिसंबर को हमारी शादी होगी, तब तक तो चुनाव की डेट की कोई वो नहीं थी। उसके बाद आपको वोटर में नाम शामिल किया गया? नहीं, पहले वोटर में नाम शामिल था, हमारी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट था ना हमारे पास। भले ही चुनाव के चक्कर में बहू की तुरंत शादी कर दी गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहू को गांव की समस्याएं नहीं पता। क्या क्या आप इस गांव के लिए करना चाहती, किस सोच के साथ आप सरपंच बनी? मैंने यहाँ देखा कि जो लड़कियां हैं वे 12th करने के लिए जो साइंस साइड लेती हैं वे बाहर जाती है पढ़ने के लिए, उनको बहुत दिक्कतें होती है, तो उन्होंने सबसे पहले मैंने देखा कि इनके लिए साइंस साइड लेके आनी है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, जहाँ जिस गली में भी गई मैं वहाँ गंदगी मिली मुझे। आप सासू माँ हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रकला। चंद्रकला जी, आप सरपंची का चुनाव लड़ने वाली थी पिछले 6 महीने से, तो अचानक बहू को कैसे मैदान में उतार दिया?
जी पढ़े लिखे कहा गया ना, इसलिए इसलिए शादी करनी पड़ी, इसलिए शादी करनी पड़ी। तो कहा तो ये भी जाता है कि हरियाणा में बहू को जो है घर की चाबी देने से भी ससुर सास डरती है, आपने गांव की चाबी दे दी। हम खुश हैं बेटे इस बात में, आप खुश हैं? हां खुश हैं। तो आपके लिए एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार क्या मायने रखता है, क्या सोच के आपने रजनी का चुनाव किया? पढ़ा लिखा बच्चा अच्छा डेवलपमेंट करेगा और समाज में अच्छी अच्छी मान्यता प्राप्त करेगा, इसलिए हमको रजनी देवी को ही चुना। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आपके लिए क्या मायने रखता है और क्या उम्मीदें हैं आपको? पढ़ा लिखा उम्मीदवार एक तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है अपना, डिक्लेयर जो भी फॉर्मेलिटी होगी उनको पूरा करेगी, और जो पढ़ा लिखा वो गांव का विकास भी अच्छा करेगा, मेरे हिसाब मेरा विश्वास भी है। और ये मैथमेटिक्स से अभी ये बोल रही है कि कोचिंग फ्री देगी, तो इससे लड़कियों को भी सुविधा होगी और अच्छा विकास होगा गाँव का, अच्छा विकास होगा गाँव का। आपको बता दें इस फैसले का बड़ा विरोध हुआ था कि पढ़े लिखे उम्मीदवार जरूरी है, सबने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री बिना पढ़ा लिखा हो सकता है, भारत में ज्यादातर जनसंख्या जहां अनपढ़ है वहां इस तरह की शर्त होना कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इस पर बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन इस विवाद के बाद ये पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद जो परिणाम निकल कर आया है उसमें इस तरह के रजनी जैसे उम्मीदवार विजेता बने हैं जो पढ़े लिखे हैं, बदलाव करना चाहते हैं, सोच बदलना चाहते हैं। एक सवाल आपसे ये और जानना चाहेंगे, बदलाव की बात होती है, हर आदमी के मन में इकोनॉमिक्स आती है, आप 60-70 हजार की नौकरी के हकदार हैं, आपको मेहनताना कितना मिलेगा सरपंच के तौर पे पता है आपको? कुछ भी मत मिले, लेकिन क्या जरूरी, हम पैसे के लिए सब कुछ थोड़ी ना करते हैं, देश अगर सभी पैसे के लिए करेंगे तो देश को कौन संभालेगा, देश के लिए भी तो हमें कुछ करना है ना, देश के लिए कुछ करना है। एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि 5 साल होती है सरपंची, उससे पहले अगर आपको कहीं सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मार है, तो आप सरपंची रखेंगे या नौकरी? सरपंची रखूंगी मैं, सरपंची। गांव के बाकी लोगों को पढ़ी लिखी सरपंच बहू से बहुत उम्मीदें हैं। ये मैं हमारे गांव का सौभाग्य की इतनी पढ़ी लिखी सरपंच बनी, जो हरियाणा में सबसे पढ़ी लिखी सरपंच है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कोचिंग देगी, जो लड़की है हमारे गांव की उनसे भी कोचिंग मिलेगी फ्री में। हरियाणा बदनाम है गर्भ बेटियों को मारने के लिए, अब बहुओं को सरपंच बना रहा है, क्या सोच बदल रही है? बदल रही है कि बढ़ोतरी होनी चाहिए, बेटियों को नहीं मारना चाहिए, जगानी चाहिए अपनी बेटी, आगे पढ़ाओ लिखाओ कि आगे बड़े बराबर की हो जाए, ये सोच है। और अब लगता है कि आपने गांव ने जो सरपंच चुनी है दूसरों को भी सीख देगी? देगी, क्यों नहीं देगी, देगी, आगे जब अच्छे काम करेगी और भी महिलाएं ज्यादा पढ़ेंगी। अब आपको पलवल के चनोली गांव लेकर चलते हैं, यहां भी एक पढ़ी लिखी सरपंच बहू है, नाम है मंजू वाल्मीकि। इनकी कद काठी और घूंघट पर मत जाइए, इनके आत्मविश्वास का अंदाजा आपको उनकी बातों से हो जाएगा। मंजू एमकॉम एमबीए है। इसी कड़ी में हम चनोली गांव पहुंचे हैं, यहां भी महिला सरपंच चुनी गई है और वो काफी अच्छी पढ़ी लिखी है, पोस्टर लगा है, इनका नाम मंजू देवी है, एमकॉम है, एमबीए है, यानी अब गांव की मैनेजमेंट एक एमबीए सरपंच उम्मीदवार के हाथ में है, महिला है और वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं के घर पहुंचे हैं। नमस्कार माता जी, तो आप ही की बहू बनी है? अच्छा, सरपंच आप ही है मैम? क्या नाम है आपका? मंजू। तो यही वो मंजू है जिनकी मैं बात कर रहा था, एमबीए हैं, अब वो एमबीए वाली पढ़ाई के साथ गांव को मैनेज करेंगी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, कभी आपने सोचा था कि राजनीति में आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने, लेकिन घर वालों ने सजेस्ट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, जो मैंने एजुकेशन की है वो लोगों की भलाई के लिए काम आए। लेकिन सवाल है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सरपंच क्यों बनी? आपने चुनाव लड़ा, आप जीत गए हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कमी है हरियाणा के गांव में जो आप दूर करना चाहते हैं, आपके गांव में जो दूर करना चाहते हैं? जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो देखा कि हमारे गांव में ज़्यादातर थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा है, नालियां हैं टूटी हुई हैं, गंदगी फैली हुई है हर जगह, तो मैं पर्सनली तौर पर चाहूँगी कि सबसे पहले गंदगी ख़त्म की जाए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं वो गंदगी से ही फैलती हैं, इसी वजह से सबसे पहले साफ़ सफाई, देन एजुकेशन। बच्चे यूँ ही घूमते रहते हैं, आप देख भी सकते हैं, विदाउट एजुकेशन है, तो मैं पर्सनली तौर पर चाहूंगी कि इनके पेरेंट्स से इन्हें एजुकेशन के लिए स्कूल भेजें, ये इस तरीके से अपना करियर बर्बाद ना करें, अपना फ्यूचर स्पॉइल ना करें। आपको बता दें कि ये वो सरपंच नहीं है जो अपने दबदबे या पैसे से सरपंच बने हो, पहले इनका घर दिखा देते हैं,
बाथरूम लैट्रिन बाथरूम हरियाणा में जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन अंदर की तरफ आए तो बिल्कुल साधारण घर है, पक्का जरूर है लेकिन फर्श कच्चा है, यहाँ एक पोस्टर जरूर लगा है और इन्होंने वोट मांगे जब सबको बताया कि योग्य और शिक्षित उम्मीदवार हैं ये, और ये बदलती हुई सोच का नतीजा है कि गांव वालों ने भी योग्य और शिक्षित उम्मीदवार का साथ दिया। गांव के आम लोगों को भी मंजू से बहुत उम्मीदें हैं। इस बात की खुशी है कि पढ़ी लिखी बहू सरपंच बनी है। खुशी है भैया हमारा तो बहुत बढ़िया। हाँ खूब खुशी है। क्या उम्मीदें हैं आपको आपकी बहू से, क्या कुछ करेंगी ये? कि भाई अपने गांव का सुधार करेगी, हमने आपके कहा था सुधार करेंगी और क्या, क्यों नहीं करेगी। आप पढ़ी है मेरी पोते की बहू भी और जेबी है। हाँ। पोते की जेबी लगती है वो भी लगती है। हाँ। वो मेंबर, वो सरपंच ने मेरी पोते की बहू मेंबर नहीं बनी है। अच्छा मेंबर बनी है, दोनों पढ़ी लिखी है। हाँ जी। तो देखा आपने ताई जी अंगूठा टेक है, कहती है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं सिर्फ अंगूठा टेकती हूँ, लेकिन इनका चुनाव देखिए आप, इन्होंने सोच समझकर पढ़े लिखे उम्मीदवारों को चुनाव दिया है और इनके चेहरे पे खुशी इस बात की है कि उनका चुनाव बेहतर है और ये चुनाव पूरे देश भर को रास्ता दिखा सकता है। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ पवन नारा, जी मीडिया, जनौली।